सब्सक्राइब कीजिए एज इन्फॉर्मर को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और वीडियो देख पाए सबसे पहले। हेलो दोस्तों, मैं अजय आपका स्वागत करता हूं एज इन्फॉर्मर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूं एंड्रॉयड ओरियो का जो गो एडिशन है इसके बारे में कि गो एडिशन लाने का क्या मकसद था, इससे क्या फ़ायदा है, किन किन लोगों को फ़ायदा होगा, इसलिए इस वीडियो में कंप्लीट इसी के बारे में बात करूंगा। आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आएगा, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, एक्चुअल में क्या कि जैसे ही गो एडिशन आता है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आप लोग कुछ दिन पहले ऑलरेडी जब यूट्यूब का गो एडिशन का जो एप्लीकेशन आया था यूट्यूब गो, तो आप लोग के सामने ये आ गया था और ये कहकर आया था कि इंडिया के लिए स्पेशली बनाया गया है, क्योंकि इंडिया में जो है इंटरनेट के मामले में जो है थोड़ा 2G पे भी लोग काम करते रहते हैं। भले ही 4G मतलब जियो का 4G आने के बाद जो है पूरे वर्ल्ड का नंबर वन डेटा कंजप्शन में इंडिया आगे हो गया है। तो इसका जो गो एडिशन है, गो एडिशन ऐसे समझिए कि उसको एग्जांपल लेके मैं समझाता हूँ ताकि अच्छे से अपने भाषा में अपने लैंग्वेज में मैं समझा सकूँ कि अपने कंट्री में बहुत सारे लोग जो है उनके पास जो है हाई एंड का मोबाइल नहीं है, ठीक है, कि मतलब वो चाहते हैं कि 5000 4000 या 6000 वाले मोबाइल में भी उस फैसिलिटी को यूज कर सके, सारे फैसिलिटी को। अब अगर देखिए, अगर जियो ने जो अपना 1500 का मोबाइल निकाला था, वो क्यों निकाला था, कि सभी के पास 4G यूज करने के लिए उनको स्मार्टफोन चाहिए और स्मार्टफोन की कीमत 6000 7000 8000 है। तो गरीब से गरीब लोग भी 4G के फैसिलिटी को यूज कर सकते हैं, नेट यूज कर सकते हैं, फ्री कॉलिंग यूज कर सकते हैं, टीवी देख सकते हैं। इसके लिए जियो ने लॉन्च किया अपना 1500 वाला मोबाइल, जो कि मेरे पास आया, मैं भी उसको यूज किया, बहुत अच्छा मुझे लगा। लेकिन यहीं पे अगर बात करते हैं और अदर फैसिलिटी की बात, उनके लिए उनको यूज करना पड़ेगा एंड्रॉयड का स्मार्टफोन, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का। और एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर हायर वर्जन की बात करते हैं, मतलब कि एंड्रॉयड नोगट या ओरियो की बात करते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये वीडियो स्पेशली मैं ओरियो के लिए बनाया हूँ। तो देखिए, जब भी वर्जन चेंज होता है ना, कुछ नया आता है, तो उसके साथ साथ हार्डवेयर की कैपेसिटी को भी बढ़ाना पड़ता है। अगर आप गौर करेंगे, एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करने का, फेसबुक का जो ओरिजिनल एप्लीकेशन है, आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कीजिए, आपको 100 MB से ज़्यादा स्पेस ले लेगा। तो ऐसे कंडीशन में जो लो वेरिएंट का स्मार्टफोन होगा, उनके पास जो है स्पेस की कमी रहती है, रैम कम रहता है, 512 MB हो गया या 1 GB रैम होता है, इससे ज़्यादा तो रहता नहीं है सस्ते वाले स्मार्टफोन में। और महंगे वाले में जाइए तो 2 GB 3 GB 4 GB 6 GB ये तो अलग मैटर है। तो जो ज़्यादा पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते, हाई एंड का वेरिएंट वाला मोबाइल नहीं ले सकते हैं, तो उनको तो ये फैसिलिटी से वंचित होना पड़ जाता है। वंचित होने का मतलब है कि वो एंड्रॉयड ओरियो का फैसिलिटी यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे ओरियो के लिए चाहिए स्मार्टफोन में स्पेस ज़्यादा, रैम ज़्यादा, हार्डवेयर की कैपेसिटी ज़्यादा, क्योंकि इसमें जो है प्रोग्रामिंग जब किया जाता है तो इसमें बहुत सारे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को ऐड किया जाता है जिसको सपोर्ट कर सके, जो प्रोसेसर है उसको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को सपोर्ट कर सके। तो ये लो वेरिएंट वाले पर ओरियो तो आएगा नहीं। ऐसे कंडीशन में एंड्रॉयड ने सोचा कि एक स्पेशल एडिशन एंड्रॉयड ओरियो का ही निकाल दिया जाए, जिसका नाम रख दिया एंड्रॉयड ओरियो गो एडिशन। अब इसमें क्या होगा कि और इस दोनों में अंतर क्या है, सो मैं समझा देता हूँ। देखिए, जो ओरिजिनल ओरियो है उसमें सारे चीज़ को सपोर्ट मिलेगा, जो गो एडिशन है उसमें ये ध्यान रख करके उसको मतलब प्रोग्राम को ऑप्टिमाइज किया गया है कि इसमें जो है प्रोसेसर लो क्वालिटी का रहेगा, हार्डवेयर लो क्वालिटी का रहेगा, फिर भी ये ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट करे और सारे फैसिलिटी को लो मतलब सारे फैसिलिटी को ये यूज कर सके। तो ऐसे कंडीशन में कुछ फैसिलिटी को ये ब्लॉक किया है। जी हाँ दोस्तों, कुछ हाई लेवल का जो चीज़ इसमें है उस चीज़ को ख़त्म कर दिया है, और गो एडिशन में वही चीज़ को रखा है, वही प्रोग्राम को ऑप्टिमाइज करके रखा है कि हम जो लो वेरिएंट वाले जो हार्डवेयर है उसके साथ मतलब कंपाइल कर सके और साथ में वो वर्क कर सके। इससे फ़ायदा ये होगा कि 5000 4000 6000 वाले मोबाइल में भी आपको एंड्रॉयड ओरियो का सपोर्ट मिल जाएगा। अभी तक आप देखिएगा तो यहाँ पे मार्शमेलो तक जाते जाते नुगट भी नहीं जाता है दोस्तों, मार्शमेलो इससे ज़्यादा नहीं मिल रहा है लो वेरिएंट वाले में। तो अब जो है आपको मिल जाएगा गो एडिशन वाले जितने स्मार्टफोन हैं उनमें मिल जाएगा आपको इसका सपोर्ट। अब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि ये जो है पहले से ही आएगा, मतलब एंड्रॉयड गो एडिशन वाला जो गो एडिशन का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये लो वेरिएंट में पहले मैन्युफैक्चर OEM जो होता है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर जो होता है, वही ये इसमें इंस्टॉल कर देंगे। अब इसके गो के लिए स्पेशल एप्लीकेशन भी है, जैसे कि गूगल असिस्टेंट गो,
गूगल का जो है जीमेल गो, तो ये सब जितने एप्लीकेशन है गो एडिशन वाले ये इसमें सपोर्ट करेंगे, तो क्या होगा कि ये स्पेस कम खपत करेंगे, जिससे कि आपको जो है एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए, एक्स्ट्रा एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के लिए जगह रहेगा, और आप जो है कम पैसा में सभी लोग जो है एंड्रॉयड ओरियो को, ओरियो का जितना भी फंक्शन है उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ये हो गई। अब यहाँ पे एक और चीज़ समझिए, फेसबुक यूज करते हैं, फेसबुक का लाइट भी रहता है, अगर लाइट एप्लीकेशन यूज करते तो आपको 2 MB में मिल जाता है। ओपेरा यूज करते हैं, ओपेरा मिनी का क्या होता है, सस्ता, मतलब बहुत जो सस्ता सस्ता मोबाइल में ओपेरा मिनी यूज हो जाता है, क्योंकि उसमें लाइट वेरिएंट रहता है। तो ओपेरा एंड ओपेरा मोबाइल एंड ओपेरा मिनी का डिफरेंस, दोनों में क्या डिफरेंस है, ये तो मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे भी समझिए लाइट वर्जन वाले में क्या होता है कि जो लो वेरियंट का मोबाइल है उसमें जो हार्डवेयर है उसको सपोर्ट करता है, और हाई लेवल वाला जो है मतलब मेन फेसबुक का एप्लीकेशन है वो जितने अभी तक फेसबुक में फैसिलिटी आया है सारे फैसिलिटी को सपोर्ट करता है। उस फंक्शन को सपोर्ट करने के लिए आपके पास हार्डवेयर भी अच्छा वाला होना चाहिए। अगर आप लो वेरिएंट वाले स्मार्टफोन में हाई वेरिएंट वाला जो एप्लीकेशन है उसको इंस्टॉल कर लेते हैं तो आपका मोबाइल जो रोना शुरू कर देगा, मोबाइल हैंग करना शुरू कर देगा। इसीलिए जब भी गो एडिशन का आपके पास स्मार्टफोन हाथ में आएगा तो आप जो है हमेशा से जो भी एप्लीकेशन है उसका लाइट वेरिएंट वाला एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिएगा, और बिंदास आप अपने स्मार्टफोन को स्मूथली यूज कर सकते हैं। तो आई होप मेरे कहने का जो मतलब था कि मैं क्या दोनों में डिफ्रेंशिएशन है, दोनों का अंतर क्या है, तो वो मैं आपको समझा दिया हूँ। आशा करता हूँ कि आप भी समझ गए होंगे। अगर ये वीडियो पसंद है प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, और कोई सवाल तो कमेंट सेक्शन में आकर कमेंट कर दीजिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।